Hello students, we have studied about the Coulomb's law. So today we will define very important terms, that is dielectric constant or relative electrical permittivity. Hamare paas kya hai ki that the force, electrical force of attraction और रिपल्सन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस क्यू वन एंड क्यू टू सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस आर इन फ्री स्पेस. फ्री स्पेस मीन्स एयर और वैक्यूम इज गिवन बाय. मैं लगा रही यहां पर एफ नॉट इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर लेट इट बी नंबर वन. यही है हमारे पास. अगर बात करें हम लोग दैट द इलेक्ट्रिकल फोर्स बिटवीन द सेम चार्जेस सेपरेटेड बाय सेम डिस्टेंस इन अ मीडियम इज गिवन बाय एफ एम कर दिया बेटा मैंने यहां पर मीडियम के लिए एम. दिस फोर्स एफ एम इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर लेट इट बी नंबर टू वेयर दिस एप्सिलॉन इज द एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम. दिस और एप्सिलॉन नॉट दैट इज एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस. नाउ डिवाइडिंग वन बाई टू डिवाइड कर देते हैं इनको डिवाइडिंग वन बाई टू वी गेट एफ नॉट अपॉन एफ एम इज इक्वल टू यहां पर देखो वन अपॉन फोर पाई से वन अपॉन फोर पाई कैंसल आउट हो जाएगा आपके पास. ये पूरा फैक्टर कैंसल आउट हो गया. यहां पर बच गया हमारे पास क्या that is 1 upon epsilon naught divided by 1 upon epsilon that is equal to epsilon upon epsilon naught that is equal to this quantity that is equal to k or epsilon r where this epsilon r is known as relative electrical permittivity of the medium or it is also known as a dielectric constant denoted by K. Let this one is equation number 3. यहां से देखते हैं ठीक है. तो यहीं से डिफाइन करेंगे हम लोग इसको अब ये सारे की सारे टर्म. तो देखते हैं हम लोग क्या हुआ हमारे पास कि जहां पर आपके पास वेयर दिस epsilon r is known as relative electrical permittivity of the medium
इट इज आल्सो नोन एज डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ द मीडियम एंड इज डिनोटेड बाय कैपिटल के, कैपिटल के जस्ट इसे डिनोट कर लिया। अब यहां से देखें, कई बार पूछ जाता है दैट व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। तो देखो ये हमारे पास फोर्स, ये फोर्स, तो फोर्स के यूनिट फोर्स अगेंस्ट लॉर्ड हो गए, मतलब कोई भी आपके पास इसके यूनिट नहीं है। ये एप्सिलॉन और एप्सिलॉन और सेम यूनिट है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो कोई भी यूनिट नहीं आए। इसका मतलब दैट डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट डज नॉट हैव एनी यूनिट, डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट डज नॉट हैव एनी यूनिट। कई बार इसको उलझाने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है दैट राइट द एसआई यूनिट ऑफ डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। भाई बच्चे तुक्का लगाते हो उसमें फिर कि भाई जब राइट बोला गया है इसका मतलब कुछ ना कुछ होंगे, लेकिन है ही नहीं तो कहां से लिखोगे। इसका मतलब आप लोगों ने क्या लिखना है, नो यूनिट, इट डज नॉट हैव एनी यूनिट, इसका कोई यूनिट है ही नहीं। तो अब हम लोग डिफाइन करेंगे यहां से कि डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट को हम लोगों ने दो टर्म में यहां पर डिफाइन करना है, दो टर्म में आगे चल करके डिफाइन करेंगे, वो हम लोग सेकेंड चैप्टर में डिफाइन करेंगे हम लोग डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट को। लेकिन यहाँ पर हम लोग यहाँ पर एक तो आ रहा है एफ नॉट अपॉन एफ एम और एक आ रहा है किसके बराबर, दैट इज अ एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चाहे डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट डिफाइन कर दो चाहे रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी कर दो, दोनों एक ही बात है हमारे पास, ऐसा नहीं है डिफरेंट है आपके पास, ये और ये दोनों एक ही बात है। मतलब डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ही आपके पास क्या है, दैट इज अ रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। ठीक है, तो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। अब तो देखते हैं हम लोग कि क्या है ये। सबसे पहले हमारे पास पहली टर्म से देखें, अगर हम लोग K इज इक्वल टू एफ नॉट अपॉन एफ एम, सो डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ अ मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन द टू चार्जेस एट रेस्ट, टू पॉइंट चार्जेस एट अ रेस्ट सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस इन फ्री स्पेस, इन अ फ्री स्पेस टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन द सेम चार्जेस सेपरेटेड बाय सेम डिस्टेंस इन द मीडियम। वो क्या हो गया आपके पास, दैट इज अ डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। सो क्या हो गया हमारे पास, डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ अ मीडियम is defined as the ratio of force of attraction or repulsion between टू पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस इन फ्री स्पेस, स्मॉल की बजाय सर्टेन लिख दो आप लोग यहां पर, सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस, सर्टेन सही वर्ड रहेगा यहां पर, सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस इन फ्री स्पेस टू द
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन द सेम चार्जेस सेपरेटेड बाई सेम डिस्टेंस इन द मीडियम. कौन सा मीडियम? जिसका हम लोग डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट निकाल रहे हैं, वो आपके पास क्या हो गया? डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट. ये तो होगी पहली डेफिनेशन आपके पास इसकी. ठीक है, दूसरी अगर निकाले हम लोग तो दूसरी तो बहुत इजी है. सेकेंड वन देखें अगर हम लोग तो K इज इक्वल टू, यहां से देखे एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो ये देखें अगर हम लोग तो यहां से हमारे पास क्या आ रहा है, दैट इट इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस. सो डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ अ मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. देख बहुत इजी सॉल्व. अब इसमें से आप लोगों ने स्टेटमेंट देनी कौन सी है? देखो अगर तो बोला गया कि भाई इन टर्म्स ऑफ फोर्स डिफाइन करो तो ये देनी है, इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी पूछा गया तो ये देनी है. लेकिन जनरली क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है दैट डिफाइन द डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ अ मीडियम. तो आपके पास इच्छा है आप लोग कोई सा भी डिफाइन कर सकते हो, तो आप लोग जो है वो इसको अगर प्रेफर करोगे तो ये ज्यादा इजी रहेगा आपके पास, ये वाली टाइम ये वाला. ठीक है, अब यहां से देखें अगर हम लोग तो ये तो भाई आपके पास क्या हो गया, दैट इट इज द रेशियो ऑफ द डायलैक्ट्रिक सॉरी एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस. अब अगर डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की हम लोग बात करें यहां पर के, तो के आपके पास किसके बराबर हो गया बेटा, दैट इज एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो यहां से मैं अगर ये एप्सिलॉन की वैल्यू निकालूं तो इट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू के, या फिर यही वैल्यू आपके पास किसके बराबर, दैट इज एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो गई. तो मैं यहां पर लिख लूं एप्सिलॉन दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, ऐसे भी लिख सकते हैं. चाहे आपके पास एप्सिलॉन आर दिया है चाहे आपके पास के दिया गया है, मींस आपके पास एक ही चीज दी गई है, ये ध्यान रखना आप लोगों ने, ये एक ही चीज है, चाहे डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है चाहे रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी आपके पास दी गई है, दोनों के दोनों टर्म क्या है, एक ही है, ये ध्यान में रखना है आप लोगों ने. ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कुछ मीडियम की. अगर ये बात करें हम लोग डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की तो हमारे पास हम लोग देखते हैं ये वैल्यू कितनी कितनी है इसकी. मैंने क्या लिख लिया यहां पर, ये लिख लिया मैंने मीडियम और यहां पर लिख लिया डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट. पहले हम लोग बात करते हैं यहां पर फ्री स्पेस.
चाहे एयर ले लो या फिर आप लोग वैक्यूम की बात कर लो, फ्री स्पेस कोई सा भी आ सकता है, उसके लिए डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट हमेशा रहेगा वन। ध्यान रखना आप लोग, द वैल्यू ऑफ द डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट दैट इज इक्वल टू वन, के इज इक्वल टू वन फॉर द फ्री स्पेस। ठीक है, सेकेंड वन, ग्लास। ग्लास के लिए इसकी वैल्यू है आपके पास 3 into 4। अगर मैं बात करूं माइका, माइका के लिए इसकी वैल्यू है 3 into 6। बात करते हैं वाटर, वाटर के लिए कितनी है, दैट इज 81। वाटर के लिए आता है 81। और अगर मैं बात करूं किसके लिए, कंडक्टर्स, जितने भी कंडक्टर्स हैं आपके पास मेटल्स, सारे के सारे कंडक्टर्स हैं, दैट इज इनफाइनाइट। ये ध्यान में रखना है, ये पूछा जाता है दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर कंडक्टर। तो कंडक्टर्स के लिए आपके पास इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास, इनफाइनाइट। अब देखें अगर हम लोग फोर्स निकालें, अगर हम लोग यहां पर मीडियम में क्या निकाल के चले फोर्स, तो फोर्स निकालें अगर, देखते हैं फोर्स कितना आता है हमारे पास। देखो हमने मीडियम में निकाला था फोर्स एफ एम, दैट इज इक्वल टू 1/4πε Q1 Q2 / r². अब एप्सिलॉन को लिखा था हम लोगों ने एप्सिलॉन नॉट इनटू के, के इज अ डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट, सो एफ एम इज इक्वल टू 1/4πε0 × k Q1 Q2 / r², सो एफ एम इज इक्वल टू 1/k मैंने ले लिया बाहर, इनसाइड बच गया 1/4πε0 Q1 Q2 / r². ये पूरा का पूरा फोर्स आ गया आपके पास फ्री स्पेस में, सो एफ एम इज इक्वल टू किसके बराबर, दैट इज F0/k। इट मींस दैट फोर्स इन द मीडियम दैट डिक्रीजेस। हम लोग इसको ये जो है यहां से ना करने के बजाय यहां से भी कर सकते हैं बेटा, कि दैट के इज इक्वल टू हमने निकाला था F0/fm, तो यहां से एफ एम किसके बराबर आ गया, दैट इज इक्वल टू F0/k के बराबर। इट मींस दैट व्हेन द टू चार्जेस फ्रॉम द फ्री स्पेस आर प्लेस्ड इन एनी मीडियम देन द फोर्स दैट बिकम्स 1/k टाइम्स इन द मीडियम वेयर k इज द डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट मीडियम। इट मींस दैट द फोर्स डिक्रीजेस इन द मीडियम। जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है वो क्या हो जाएगा आपके पास, इलेक्ट्रिकल फोर्स डिक्रीजेस इन द मीडियम। फॉर एग्जाम्पल दैट डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, वाटर के लिए अगर बात करें हम लोग, फॉर वाटर एक एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं, के इज इक्वल टू 81। मान लो हम लोगों ने चार्जेस को रखा कहां पर, फ्री स्पेस में रखा पहले, फिर उन्हीं चार्जेस को उठा लिया बिना उनके बीच की डिस्टेंस को हम लोगों ने डिस्टर्ब किए हुए, उतने डिस्टेंस के ऊपर वाटर में रख दिया, तो फोर्स जो है वो वाटर में कितना आ जाएगा आपके पास, दैट विल बी इक्वल टू F0/81। इट मींस 1/81 टाइम्स द फोर्स इन द फ्री स्पेस, मतलब इतना कम हो जाएगा फोर्स किसके बीच में, चार्जेस के बीच। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट द फोर्स दैट विल डिक्रीज। ठीक है, इस तरीके से डिक्रीज हो जाएगा आपके पास। तो ये था कंसेप्ट आपके पास किसका, डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट का। अब बात करते हैं हम लोग फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस और प्रिंसिपल ऑफ
सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में क्या है, हम लोग जब भी किसी एक गिवन चार्ज के ऊपर फोर्स निकालेंगे ड्यू टू द नंबर ऑफ फोर्सेस, तो जो फोर्स आएगा नेट फोर्स दैट विल बी द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। क्योंकि फोर्स क्या है, हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम लोग अलजेब्रिक सम लेकर के नहीं चलेंगे। तो हम लोग यहां पर बात करते हैं दैट फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस, फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस एट रेस्ट इज वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन द गिवन चार्ज ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस टेकन एट वन टाइम, मतलब उसी टाइम पर। ठीक है, अब ये जो है आपके पास, दिस फोर्स इज नॉट अफेक्टेड ड्यू टू द म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन द चार्जेस। भाई आपस में भी उनके बीच में कोई फोर्स लगेगा, उसकी वजह से ये फोर्स जो है आपके पास अफेक्ट नहीं होगा। उसके ऊपर जो नेट फोर्स आएगा दैट विल बी इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन द गिवन चार्ज ड्यू टू द नंबर ऑफ द चार्जेस। मतलब अलजेब्रिक सम नहीं लेना आप लोगों ने, क्या करना है, वेक्टर सम लेना। इट मींस दैट यू हैव टू अप्लाई द लॉस ऑफ वेक्टर एडिशन, सिंपल लॉस ऑफ अलजेब्रा आप लोग नहीं लगा सकते। तो मान लो हम लोगों ने यहां पर देखते हैं क्या, ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गया, दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, दिस इज ओरिजिन। हमने ये ले लिया एक चार्ज क्यू नॉट और इसका पोजीशन वेक्टर ले लिया आर नॉट के बराबर, आर नॉट। यहां पर मैंने चार्ज ले लिया कोई एक क्यू वन और ये पोजीशन वेक्टर आर वन, यहां पर चार्ज मैंने ले लिया कोई क्यू टू और इसका पोजीशन वेक्टर मैंने ले लिया आर। यहां पर कोई चार्ज ले लिया मैंने क्यू एन और इसका पोजीशन वेक्टर मैंने मान लिया आर। इस तरह से अब वन जो है आपके पास इसके ऊपर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, ये आ गया दस एफ नॉट वन। इस साइड को अगर मैं ये डिस्टेंस देखूं देन इट इज वन नॉट आर वन नॉट, टू लगाएगा तो इस साइड को लगाएगा आपके पास ये हो गया एफ नॉट टू और ये डिस्टेंस आ गई आर टू नॉट, वेक्टर ले लिया डायरेक्ट। ऐसे ही एनथ है तो एनथ आपके पास इस साइड को चलेगा आपके पास, थोड़ा सा और बढ़ा दूंगा इसको ऐसे, चलो यहां ऐसे ले लिया क्यू है आ गया एफ नॉट एन इस साइड को फोर्स और ये डिस्टेंस आ गई आर एन नॉट। इस तरह से आपके पास ये फोर्स लग गई, डिफरेंट फोर्स, एक फोर्स जो है वो इस साइड को लग गया, एक इस साइड को लग गया, एक इस साइड को लग गया, मतलब कई साइड को आपके पास फोर्सेस लग गया। तो इन सभी फोर्सेस का क्या निकालना है, वेक्टर सम। तो मान लो हमारे पास लेट R1, R2 एंड Rn बी द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ चार्जेस
q1 q2 qn respectively, यह हम लोगों ने मान, हम लोग मान चलते हैं लेट आर नॉट बी द पोजिशन वेक्टर ऑफ टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, सो द फोर्स ऑन चार्ज क्यू नॉट इज गिवन बाय एफ नॉट, मैंने मान लिया दैट इज एफ नॉट वन प्लस एफ नॉट टू प्लस सो ऑन प्लस एफ नॉट एन, यही बात कही हम लोगों ने, एफ नॉट वन प्लस एफ नॉट टू प्लस एफ नॉट एन वेक्टर सम दे या या। अब बात करें अगर हम लोग एफ नॉट वन, देखे भाई वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट क्यू वन अपॉन ये क्यू नॉट एक चार्ज दूसरा क्यू वन डिस्टेंस इनके बीच की आर वन नॉट, आर वन नॉट का स्पीयर और यहां पर डायरेक्शन दे दी इसने, मैं लगा के यूनिट ठीक है। ऐसे ही एफ नॉट टू दैट इज वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट क्यू टू अपॉन आर टू नॉट का स्क्वायर और ये आर टू नॉट यूनिट ठीक है। ऐसे ही मैं निकाल लू अगर कौन सा एफ नॉट एन देन इट इज वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट क्यू एन अपॉन आर एन नॉट का स्क्वायर और आर एन नॉट यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर दैट गिव्स द डायरेक्शन। अब टोटल फोर्स निकालें तो यहां से देखें फ्रॉम इक्वेशन वन, यहां से देखते हैं हम लोग, सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन वन से निकालते हैं हम लोग यहां पर सो फ्रॉम इक्वेशन वन एफ नॉट देखो वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है सभी में ले लिया मैंने इनसाइड क्यू नॉट क्यू वन अपॉन आर वन नॉट का स्क्वायर आर वन नॉट प्लस क्यू नॉट क्यू टू अपॉन आर टू नॉट का स्क्वायर और आर टू नॉट प्लस सो ऑन प्लस क्यू नॉट क्यू एन अपॉन आर एन नॉट का स्क्वायर आर एन नॉट दिस। मैं सम की फॉर्म में इसको लिखूं तो इस तरीके से लिख सकते हैं दैट एफ नॉट दैट इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट समीशन आई फ्रॉम वन टू एन क्यू नॉट क्यू आई अपॉन आर आई नॉट का स्क्वायर और आर आई नॉट। अगर आप लोग वैसे निकालना चाहते हो वेक्टर को डिवाइड करोगे तो देखो यहां से देखें तो हमारे पास ये वेक्टर आर वन नॉट दैट इज वेक्टर आर वन नॉट अपॉन इट्स वैल्यूट यही आ जाएगा, तो कुल मिलाकर के जब यहां पर करेंगे तो ये आ जाएगा वेक्टर अपॉन इट्स क्यूब आ जाएगा मैग्नीट्यूड का क्यूब आ जाएगा। तो यहां से देखें अगर हम लोग कौन सा आर वन नॉट निकालेंगे तो आर वन नॉट दैट इज इक्वल टू आर वन नॉट ये निकला बेटा आपके पास दैट इज इक्वल टू इसके बराबर देखो यहां से आर वन प्लस आर वन नॉट दैट इज इक्वल टू आर नॉट सो आर वन नॉट दैट इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर वन तो दैट इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर वन। ऐसे ही आर टू नॉट की बात करें तो किसके बराबर आर नॉट माइनस आर टू की बात आ जाएगी। तो यहां पर हम लोग
आर आई एथ की बात करेंगे तो आर नॉट माइनस आर आई की बात करेंगे हम लोग, तो ऐसे भी हम लोग इसको कर सकते हैं यहाँ पर, तो उसमें क्यूब की फॉर्म में रहेगा, लेकिन वहां तक हम लोगों ने नहीं करना है इसको, हम लोग यहीं तक इसको करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को करेंगे। लेकिन अगर फिर भी हम लोग इस रिजल्ट को वहां तक लिखना चाहें तो लास्ट में यहाँ पर क्यूब आ जाता है आपके पास, तो ऐसे लिख सकते हैं दैट एफ नॉट इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट समीशन आई फ्रॉम वन टू एन क्यू नॉट क्यू आई, यहाँ से आर आई नॉट का स्क्वायर, ये आर आई नॉट वेक्टर अपॉन आर आई नॉट, ये सो एफ नॉट दैट इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आई फ्रॉम वन टू एन क्यू नॉट क्यू आई अपॉन, ये हो गया हमारे पास आर आई नॉट का क्यूब और ये वेक्टर आर आई नॉट, ठीक है। और इसी को अगर हम लोग थोड़ा सा यहां पर वैल्यू रख दें तो हमारे पास क्या हो गया, दैट एफ नॉट इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट समीशन आई फ्रॉम वन टू एन दैट इज क्यू नॉट क्यू आई अपॉन, यहां से हो गया आर नॉट माइनस आर आई का क्यूब इंटू आर नॉट माइनस आर आई, ऐसे लिख सकते हो आप लोग अगर लिखना चाहो तो, नहीं तो यहां तक आप लोगों ने कर लिया है इट इज इनफ, यहां तक इनफ, ठीक है, यहां ये काफी। तो कुल मिलाकर के बोलने की बात ये है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का, जब भी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे देन वी हैव टू फाइंड आउट द वेक्टर सम नॉट द अलजेब्रिक सम, जब भी आप लोग किसी एक चार्ज के ऊपर ड्यू टू टू चार्जेस थ्री चार्जेस फोर चार्जेस फोर्स निकालेंगे हम लोग, तो उन सभी का लास्ट में क्या निकालना है हम लोगों ने, वेक्टर सम निकालना है, ना कि अलजेब्रिक सम निकालना है। ऐसा नहीं करना है कि उसको ऐसे सिंपली जोड़ दिया हम लोगों ने, क्या करेंगे बेटा वहां पर हम लोगों ने लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन लगाने हैं वहां पर, जैसे आप लोगों ने किया था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन किया, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन किया, मतलब यहाँ पर हम लोग लास्ट में ऐसा बोल सकते हैं कि दैट द नेट फोर्स इज फाउंड बाय यूजिंग द पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे क्या आ रहे हैं आपके पास नंबर ऑफ फोर्सेज आ रहे हैं, तो क्या बन जाएगी एक पॉलीगन बन जाएगी, तो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम लोग यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। तो ये थी हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। हम बात करते हैं यहाँ पर इससे रिलेटेड, आपके पास ये प्रिंसिपल नहीं पूछी जाती, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चंस हम लोग करेंगे अगले लेक्चर में, अगले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चंस ही करेंगे और यहाँ से पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। हम लोग बात करते हैं कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्या होता है हमारे पास भाई, अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज द चार्ज ऑन अ बॉडी इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट चार्ज ई, हमने यही किया है दैट टोटल चार्ज क्यू दैट इज इक्वल टू एन इनटू ई, इट मींस दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी इज डिस्क्रीट, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया आपके पास, दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी इज डिस्क्रीट, डिस्क्रीट का मतलब आ गया सेपरेट, सेपरेट का मतलब ये आ गया जैसे ये बॉडी है तो कुछ चार्ज यहां पर ये ऐसे आएगा आपके पास, इट इज नॉट यूनिफॉर्म, मतलब आपके पास कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया। अब इट इज इम्प्रैक्टिकल टू डील विद द डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज, मैक्रोस्कोपिक स्केल में जब भी हम लोग चार्ज के साथ क्या करते हैं डील करते हैं, तो ये जो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है इसके साथ डील करना हमारे पास क्या हो जाता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। भाई अगर मान लो हमारे पास चार्ज जो है बहुत कम दिया गया है, हम लोग माइक्रोस्कोपिक स्केल में भी कर रहे हैं, तो
डिस्क्रीट कौन सा चार्ज कहाँ पर है, कौन सा कहाँ पर है, इसके साथ अगर हम लोग डील करें, इस तरीके से डीलिंग करें हम लोग पूरी बॉडी के साथ, सो इट इज इम्प्रैक्टिकल। कुल मिलाकर के हम लोग टोटल चार्ज की ही बात करते हैं। तो जब हम लोग पूरी बॉडी की बात लेकर के चलते हैं तो हम लोग क्या मान करके चलें कि भाई किस हिस्से के ऊपर चार्ज है और किसके ऊपर नहीं है, तो ये कुल मिलाकर के हमारे पास स्थिति कौन सी होगी, दैट इज अ इम्प्रैक्टिकल। तो हम लोग ये कंसेप्ट मान करके चलते हैं व्हेन वी डील विद द मैक्रोस्कोपिक बॉडीज, मैक्रोस्कोपिक मीन्स लार्ज बॉडी, देन वी कंसिडर दैट द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड कंटिन्यूसली। चार्ज जो है आपके पास कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, एंड द बॉडी दैट हैव अ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। मीन्स हमारे पास बॉडी का अगर कोई एक हिस्सा ले ले, हम लोग छोटा सा हिस्सा ले ले, जैसे ये हिस्सा मैंने एक छोटा सा ले लिया, ये यहां पर ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, यहां से ले लिया, इसको डिवाइड कर दिया, तो हर पार्ट की जो चार्ज डेंसिटी आएगी वो क्या आएगी आपके पास, सेम आएगी। तो हम लोग क्या बोलेंगे, दैट द बॉडी दैट हैव अ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। तो यहां से कंसेप्ट निकल गया आपके पास किसका, दैट इज ऑफ अ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। क्यों, क्योंकि हमारे पास टू डील विद द डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज इट इज अ इम्प्रैक्टिकल इन केस ऑफ व्हाट, अ मैक्रोस्कोपिक बॉडी। देयरफॉर वी कंसिडर द कंसेप्ट ऑफ अ कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। हम लोग क्या मान के चलते हैं कि चार्ज जो है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड कंटिन्यूसली, एंड वी यूजेज द कंसेप्ट ऑफ अ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। किसका कंसेप्ट यूज करते हैं, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी का। अब ये जो चार्ज डेंसिटी है आपके पास, यहां पर चार्ज डेंसिटी हमारे पास आती है कितने तरह की, तीन तरह की। अच्छा एक चीज और समझा दूं मैं आप लोगों को चार्ज डेंसिटी पर चलने के पहले। अगर मान लो हम लोग चार्ज डेंसिटी का कंसेप्ट क्यों लेते हैं, जैसे मान लो चार्ज डेंसिटी का ना ले, हम लोग चार्ज की बात करें, हमें पता चार्ज कैसे आता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ बेसिक यूनिट चार्ज ई। अगर मान लो किसी बॉडी के ऊपर 1 माइक्रोकूलम का चार्ज है, बहुत कम चार्ज है, 1 माइक्रोकूलम बहुत ही कम है, 1 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम का मतलब 10^-6 कूलम का चार्ज है। यहां पर n की वैल्यू निकालें अगर हम लोग, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो देखो 10^-6 और 1 कूलम में थे 6.25 × 10^18, तो ये बच गए 6.25 × 10^13, इतने ज्यादा आ गए आपके पास इलेक्ट्रॉन। इनको काउंट करना हो अगर हम लोगों ने, तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, नहीं है। इसका मतलब यहां पर आपके पास क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। किसी भी चार्ज को फाइंड आउट करने के लिए यहां पर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या हो गई, फेल हो गई हमारे पास। तो कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि दैट व्हेन द क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज दैट फेल, सो जब हम लोग क्या करते हैं, व्हेन वी डील विद द लार्ज चार्जेस इवन विद द स्मॉल चार्जेस, then what happens that the value of the n is very large which is practically not possible to count, मतलब practically जो है वो count करना possible नहीं है, इसलिए quantization of charge हमारे पास क्या हो गई, यहाँ पर fail हो गई हमारे पास, practically क्या हो गई, fail हो गई। वैसे theoretically तो आ रही है value, लेकिन practically इतनी value हम लोग अगर count करते चलें तो क्या हम लोग count कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। कितनी जीरो आएंगी यहाँ पर हमारे पास, मतलब 625 भी लिख दूं मैं तो 10^11 आएगी, इसके बाद 625 के बाद 11 जीरो लगानी पड़ेगी, वहां तक गिनते जाओ आप लोग, कितने दिन लगेंगे, कितने साल लग जाएंगे आप लोगों को गिनते हुए, तो वो प्रैक्टिकली ही पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हमारे पास ये फेल हो जाए। तो हम लोग किसका कंसेप्ट लेकर चलते हैं, चार्ज डेंसिटी का कंसेप्ट लेकर के चलते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हमारे पास आती है कौन सी, दैट इज अ लीनियर चार्ज डेंसिटी। पहली कौन सी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा से डिनोट करेंगे इसको, ठीक है। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, व्हेन द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग अ लाइन, कैसे, अलोंग द लाइन, स्ट्रेट और कर्व, देन लीनियर चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज द चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी को डिफाइन करते हैं ऐसे, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एल, चार्ज पर यूनिट लेंथ।
कब? When the charge distributed along the line, चाहे स्ट्रेट है चाहे कर्व्ड है, तो आपके पास लीजिए चार्ज डेंसिटी क्या आएगी, दैट इज अ चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो यहां से इसकी यूनिट की बात करें तो SI यूनिट लीनियर चार्ज डेंसिटी के क्या आगे आपके पास इज अ चार्ज के आगे कूलम और लेंथ के आगे मीटर, तो कूलम पर मीटर आपके पास ये इसके यूनिट हो गए। दूसरी आपके पास आती है सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये बाद में यूज करेंगे हम लोग कंसेप्ट, ये अभी तो सिर्फ इनको पढ़ेंगे हम लोग। इसको डिनोट करते हैं सिग्मा से, सिग्मा। When the charge is distributed on the surface of the body, कोई बॉडी आ गई उसके सरफेस के ऊपर हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया, देन द सरफेस चार्ज डेंसिटी इज द चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ द बॉडी। तो दिस सरफेस चार्ज डेंसिटी दैट इज द चार्ज पर यूनिट एरिया सरफेस। तो इसके यूनिट की बात करें तो SI यूनिट इज बाय चार्ज के आगे कूलम और एरिया के आगे मीटर स्क्वायर। थर्ड वन आपके पास आगे कौन सी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको डिनोट करते हैं रो से। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हमारे पास क्या है, व्हेन द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, पूरे वॉल्यूम में क्या किया गया है डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, देन द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसके SI यूनिट की बात करें, SI यूनिट इज अ क्या आगे कूलम पर मीटर, आप लोगों का सर यूनिट। अब बात करते हैं हम लोग इसकी किसके, दैट इज अ फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। थोड़ा सा आर्टिकल कर लेते हैं कादा, फिर उसके बाद एज इट इज आप लोगों पास आ जाएगा। फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ चार्ज, ड्यू टू कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। हमारे पास मान लो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गया, पहले हम लोग निकालेंगे फोर्स ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस वन इज जेड एक्सिस। हमने क्या किया कि ये लाइन मान ली और इसके ऊपर मान लो जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड कंटिन्यूसली। हम एक पॉइंट ले लेंगे इसके ऊपर और उसका पोजीशन वेक्टर हम लोगों ने यहां पर मान लिया आर आई। आर लेट डी क्यू विद अ चार्ज ऑन एंड डी एल विद अ स्मॉल लेंथ ऑफ दैट वन, यहां पर इतना जैसा हिस्सा हम लोगों ने ये मान लिया इसका, जिसके ऊपर चार्ज कितना मान लिया डी क्यू और लेंथ इसकी मान ली डी एल। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी यहां से आ गया आपके पास डी क्यू अपॉन डी एल। सो यहां से अगर हम लोग देखें दिस डी क्यू दैट इज इक्वल टू लैम्डा इनटू डी एल के दैट। कंसीडर अनदर टेस्ट चार्ज क्यू नॉट हैविंग पोजिशन वेक्टर आप। हमने इस पूरी लाइन चार्ज की वजह से क्या करना है, इसके ऊपर फोर्स निकालना है। तो फोर्स निकालना है तो हमारे पास जो फोर्स है, मान लो ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो आपके पास फोर्स की डायरेक्शन आ जाएगी ये दिस, और ये हम लोगों ने मान लिया किसके बराबर, दैट इज आर डैश। आर डैश देखें तो हमारे पास आर डैश किसके बराबर आ जाएगा, दैट इज आर माइनस आर आई के बराबर, ट्रेंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। सो फोर्स ऑन चार्ज क्यू नॉट
ड्यू टू द स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट की वजह से डी एफ निकाल दो मैं, दैट इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट इंटू डेल्टा क्यू, क्योंकि इस एलिमेंट के ऊपर कितना है डेल्टा क्यू, अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस आर डैश का स्क्वायर इंटू दिस आर डैश। अब क्योंकि ये डी क्यू हमें नहीं पता कि भाई ये कितना है, तो इसलिए किसकी फॉर्म में करना है चार डैश की फॉर्म में, यूजिंग दिस वैल्यू, सो दिस डी एफ दैट इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट लैम्डा डेल्टा एल अपॉन आर डैश स्क्वायर और ये आर। सो टोटल फोर्स निकालेंगे, हैंस द नेट फोर्स, नेट फोर्स एफ इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको कर दो बेटा इंटीग्रेट ओवर द कंप्लीट, दैट इज क्यू नॉट लैम्डा डी एल अपॉन आर डैश स्क्वायर और ये आर। सिमिलरली ड्यू टू द सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज की वजह से बात करें तो हम लोग वैसे ही चलेंगे, ये x, दिस इज y, दिस वन इज z, ये हम लोगों ने कोई सरफेस मान लिया, पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर रख लिया हम लोगों ने, ये r i आ गया हमारे पास, यहां से q नॉट, तो ये हमारे पास आर डैश, दिस इज एफ। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए ड्यू टू द सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेकेंड वन, ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से देखते हैं हम लोग। देखो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में चार्ज डेंसिटी आ गई सिग्मा, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एस, सो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू सिग्मा डेल्टा एस, तो सिंपली हमारे पास फोर्स क्या जाएगा एफ इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ओवर द सरफेस, एस लिख दिया मैंने यहां पर सरफेस के ऊपर, ओवर द सरफेस क्यू नॉट यहां पर और यहां पर आ गया सिग्मा डेल्टा एस अपॉन आर डैश स्क्वायर और ये आर डैश, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूंगी इसकी वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास क्या जाएगा थर्ड वन वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसमें देखते हैं ड्यू टू द वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रो इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वी, सो डेल्टा क्यू दैट इज इक्वल टू रो डेल्टा वी, तो हमारे पास क्या जाएगा एफ इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां से ये पूरे वॉल्यूम में, तो क्यू नॉट रो डेल्टा वी अपॉन आर डैश स्क्वायर इनटू दिस आर डैश, बस ऐसे आपके पास वॉल्यूम। तो ये हम लोगों ने बस एक ही कंसेप्ट है, एक जैसा ही है सब कुछ, चाहे आप लोग लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से निकाल लो तो क्या आ गया लैम्डा डीएल आ गया, वॉल सरफेस से निकाल लो तो सिग्मा डीएस आ गया, वॉल्यूम से निकाल लो तो रो डीबी आपके पास आ गया, और कहां पर पूरा वॉल्यूम में हम लोगों ने इसको इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग यहां पर, ये हमारे पास पहला कंसेप्ट जो कूलम्स लॉ है उससे रिलेटेड जो है वो कंसेप्ट फोर्स का हमारे पास कंप्लीट हो गया थ्योरी पार्ट, बात बचती है क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चंस हम लोग लेकर के चलेंगे नेक्स्ट जो क्लास है उसमें लेकर के चलेंगे, लेकिन दो क्वेश्चन आज करेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन हमारे पास, क्योंकि थोड़ा सा मैं एक डिफरेंस आप लोगों को समझाऊंगा, उसमें बोला गया अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द टू इक्वल चार्जेस क्यू, ये
दो चार्जेस हैं ये इक्वल चार्जेस क्यू, ये मान लो ए है, ये पॉइंट बी है, यहां पर सेंटर आ गया इनका, ये सी मान लो, ठीक है, मिडल जैसा, और यहां पर रख दिया क्यू, ये सेंटर के ऊपर रख दिया, ठीक है। इसमें बोला गया शो दैट द सिस्टम ऑफ द थ्री चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम ऑफ द थ्री चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ दिस क्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई फोर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये q that is placed at the midpoint of the line joining the two equal charges q, ठीक है, so that the system of the three charges in equilibrium when q is equal to minus q by 4. अब system of the three charges that will be in equilibrium when the force between these two plus the force between these two any these two charges, ठीक है, ये इसमें और इसमें plus इसमें और इसमें, वो क्या हो जाए जीरो, मतलब इसमें और इसमें या इसमें और इसमें, बात तो एक ही आपके पास, ये इनके बीच और इनके बीच का फोर्स, नेट फोर्स क्या हो गया जीरो हो गया, इसका मतलब ये आपस में कोई भी फोर्स जो है वो नहीं लगा रहे, ठीक है, इसका फोर्स जो सम है वो किसके बराबर हो जाएगा आपके पास जीरो, तो सिस्टम किस में आ जाएगा इक्विलिब्रियम। तो मैंने क्या किया अपनी सहूलियत के लिए डिस्टेंस मान दी टू एक्स के बराबर, आप कितनी भी मान सकते हैं आप लोग, ऐसे कोई बात नहीं है, तो ये बच गई x हमारे पास और ये भी बच गई आपके पास x। फॉर द सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम, ध्यान दें सिर्फ इस चार्ज की बात नहीं की गई, अगर ऐसा बोला गया होता है कि ये चार्ज इक्विलिब्रियम में है, समझे स्टेटमेंट को, सिस्टम पूछा गया यहां पर, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, अगर ये बोला गया होता है कि ये चार्ज इक्विलिब्रियम में है तो हमने बात करनी थी कि दैट द फोर्स ऑन दिस चार्ज ड्यू टू दिस चार्ज दैट इज इक्वल टू फोर्स ऑन दिस चार्ज ड्यू टू दिस चार्ज, वो बराबर रख देते हैं, लेकिन बात क्या की गई पूरा सिस्टम आपके पास किस में होना चाहिए इक्विलिब्रियम में, तो फॉर द सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, फॉर सिस्टम इन इक्विलिब्रियम क्या होना चाहिए वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, पहले इनकी बात कर लेते हैं, क्यू इंटू क्यू अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू क्यू अपॉन 2x का होल स्क्वायर, दैट शुड बी इक्वल टू 0 क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस 2x के बराबर, ये 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो चला गया आपके पास, एक q चला जाएगा तो यहां से बच गया q अपॉन x स्क्वायर प्लस q अपॉन 4x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर से आपके पास ये भी 0 चला जाएगा, चलो कोई बात नहीं, 1 upon this one q upon x square that is equal to minus q upon 4 x square, so q that is equal to minus q by 4, बस यही हम लोगों ने प्रूव किया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं मिलता जुलता, इसमें क्या बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया टू पॉइंट चार्जेस प्लस फोर ई एंड ई आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ए, दो चार्जेस आपके पास आ गए, ये देखते हैं हम लोग, दिस वन प्लस फोर ई एंड प्लस ई, दीज आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ए, ये डिस्टेंस है एक, ठीक है, इसमें बोला गया कि दैट वेयर शुड द थर्ड पॉइंट चार्ज बी प्लेस्ड फॉर इट टू बी इन इक्विलिब्रियम, कहां पर तीसरा चार्ज प्लेस किया जाए ताकि वो चार्ज इक्विलिब्रियम में आ जाए, तो मान लो तीसरा चार्ज मैंने यहां पर प्लेस कर दिया, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी मैंने मान लिया और यहां पर चार्ज रख दिया क्यू, और मान लो यहां से ये डिस्टेंस मान ली मैंने एक्स के बराबर, तो यहां से बच गई आपके पास किसके बराबर ए माइनस एक्स के बराबर, सो लेट थर्ड चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम प्लस फोर ई, यहां से रख दिया हम लोगों ने ऐसे डिस्टेंस, हमने एक्स निकाला, अब ये चार्ज इक्विलिब्रियम में सिस्टम नहीं है, क्या है ये चार्ज इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब
इसकी वजह से फोर्स किसके बराबर होना चाहिए? इसकी वजह से फोर्स के बराबर होना चाहिए भाई, फोर्स क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। इसका मतलब देयरफॉर वन अपॉन फॉर क्यू इन इक्विलिब्रियम। ध्यान दें, अब एक चार्ज की बात की गई है, ये बेटा ध्यान में रखना है आप लोगों ने। सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो अलग लगाया हम लोग ने, लेकिन अब एक सिंगल चार्ज की बात आ गई फॉर क्यू इन इक्विलिब्रियम। दिस वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट फोर ई इंटू क्यू अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस एक्स स्क्वायर, दैट शुड बी इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट ई इंटू क्यू अपॉन ए माइनस एक्स स्क्वायर इनके बीच की डिस्टेंस। ध्यान देखो, ये तो कैंसल आउट हो गया, ई अपॉन दस क्यू, ई अपॉन दस वन, ये तो हमारे पास बच गया फोर अपॉन एक्स स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू किसके बराबर? वन अपॉन ए माइनस एक्स स्क्वायर। स्क्वायर रूट ले लें तो टू अपॉन एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन ए माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ गया टू ए माइनस टू एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो 2a दैट इज इक्वल टू 3x, सो x इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 ऑफ a, सो दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम दिस चार्ज। यहां से निकालनी है तो a में से माइनस कर दो इसको, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये क्वेश्चंस करने हैं, तो आज के लिए इतना ही है, आगे चल के हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस ही बचे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।